तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं आखिरकार उनका चैनल जल्दी ग्रो क्यों नहीं होता है। यार देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हो तो अपने अंदर पेशेंस रखिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आने वाले समय के लिए, तो आपको कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, आपको पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखना है। तो यार चलिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि आखिरकार क्यों मतलब जो है न्यू यूट्यूबर्स के चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं, या फिर कम आते हैं, या फिर 3-4 व्यूज आते हैं। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लो इंप्रेशंस। देखिए अब होता क्या है, लो इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो रीच होती है, यानी कह सकते हो कि जो आपकी वीडियोस हैं जो आप यूट्यूब पर अपलोड किए हैं उन पर यूट्यूब रीच नहीं दे रहा है, यानी कह सकते हो इंप्रेशंस ज़्यादा नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए अपनी वीडियो को आपको खुद से शेयर नहीं करनी है। अगर आप अपनी वीडियो खुद से शेयर करोगे तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोज़ हैं उन पर्टिकुलर वीडियोज़ पर इंप्रेशंस पूरी तरीके से यूट्यूब खत्म कर देगा फ्रेंड। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम समझ जाता है कि भाई आप सेम अकाउंट से, सेम आईडी से अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और अपने चैनल की वीडियोस को भी आप शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जो रीच जाएगी वो बहुत कम जाएगी, जिससे कि आपके व्यूज नहीं आएंगे। आपको पता होना चाहिए आपके चैनल पे व्यूज तभी आते हैं तब जाके आपके चैनल पे रीच आती है। अगर रीच अच्छी खासी आएगी तो सीधी सीधी बात है, ऑब्वियसली बात है आपके चैनल पर व्यूज भी आएंगे ही आएंगे। दूसरा पॉइंट आता है लो यूट्यूब सर्च। अब देखिए यहाँ पे यूट्यूब सर्च में आखिरकार हमारी वीडियोस लो क्वालिटी में क्यों आ जाती है, और आखिरकार ऐसा भी होता है कि हम अपनी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, लेकिन अभी तक मेरी एक भी वीडियो मेरी यूट्यूब सर्च पर नहीं आई है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि हमारी जो वीडियोज यूट्यूब सर्च में क्यों नहीं आती है, यहाँ पर हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाते हैं। ऑलरेडी हम लोग उन टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको ऐसे टॉपिक पर वीडियोज बनानी है जो अभी तक YouTube पर किसी ने ना बनाई हो, या फिर कह सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसी टॉपिक ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, तो फ्रेंड अगर आप चलिए मान लीजिए कि अगर आप ऑलरेडी जो वीडियोस पड़ी हुई है YouTube पर उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हो तो आपको अपने टाइटल चेंज कर देना है। फिर आप जब भी अपलोड करो अपनी वीडियोस तो उस वीडियो का पर्टिकुलर टाइटल आपको चेंज कर देना है, थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म करके लिख देना है फ्रेंड। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वीडियो को YouTube सर्च में ला सकते हो, गूगल सर्च में भी ला सकते हो। तीसरा पॉइंट कहता है लो सजेशंस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि सजेशंस होता क्या है। सजेशंस ये होता है मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए कि आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला, आपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल अपना खोला और आप किसी पर्टिकुलर बंदे की वीडियोस को देख रहे हो। क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, आप देख रहे हो और आप एक स्क्रीन पर अपनी पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, किसी बंदे की वीडियो को देख रहे हो, और उसी के बगल में या उसके नीचे आपको जो वीडियोस शो हो रही हैं वो सजेशंस में आती हैं, यानी कह सकते हो कि आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप वो वीडियोस भी देखिए। अब ये कंडीशन आप कैसे लाओगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही बात करूँगा कि आप अपने टॉपिक जो भी वीडियो बनाओ आपको करना क्या है, एंड स्क्रीन में उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोज आपको रख देनी है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जो वीडियो है यूनिक है, इस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपको एंड स्क्रीन तो आप जानते होगे ना मेरे दोस्त। एंड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई वीडियोस देखते हो तो आप जब भी लास्ट के 10 सेकंड बचते हैं तो आपको उस वीडियोस उस चैनल की और वीडियोस को दिखा दिया जाता है कि आप चाहो तो ये वीडियो भी देख सकते हो। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पर्टिकुलर वीडियोस पर एंड स्क्रीन लगा देना है, जिससे होगा क्या कि बहुत बड़ा फायदा होगा कि इससे आपके चैनल के जो सजेशंस होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे और यहां पे आपकी उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देखा जा सकेगा जिसको आपने सजेशंस में लगाया हुआ है, जिससे काफी हद तक आप अच्छे खासे व्यूज पा सकते हो और अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो। चौथा पॉइंट, लो रिकमेंडेशंस। अब लो रिकमेंडेशंस का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ। लो रिकमेंडेशंस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी वीडियोस को देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे मान लीजिए कि भाई आप अपने यूट्यूब चैनल पर गए, आप YouTube चैनल पर चले गए और आपने वहाँ पे कोई भी वीडियोस को देखा, आपने एक वीडियोस को देखा और देखने के बाद क्या हुआ कि भाई आपको मज़ा नहीं आया, आप तुरंत वापस आ गए वहाँ पे से अपने YouTube चैनल को छोड़ के, यानी कह सकते हो अपने YouTube एप्लीकेशन को छोड़ के आप वापस आ गए। लेकिन अब आपको ऐसा लगा कि यार चलो मैं फिर से अपने YouTube चैनल पर जाता हूँ, आप फिर से अपने YouTube चैनल पर गए तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि आप जिस चैनल की वीडियोस को देखे हुए थे वहाँ पे आपको क्या हुआ, उसी चैनल की दूसरी वीडियो भी रिकमेंड हुई है, यानी कह सकते हो YouTube ने आपको उसी चैनल की दूसरी वीडियो भी दी है। आप कोई वीडियो देख नहीं रहे हो लेकिन उस चैनल की आपको दूसरी वीडियो रिकमेंड की जा रही है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए आपको एक ही टॉपिक पर वीडियो बनानी है, यहाँ पर अगर आप वीडियो डिसमिस कर दोगे, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपकी, जैसे मान लीजिए कि एक बंदा आपकी एक वीडियो को देखा और हुआ क्या कि वो बंदा दोबारा से उसी चैनल पर आप फिर से आया YouTube पर, तो उस चैनल उस बंदे को, उस पर्टिकुलर बंदे को आपके चैनल की दूसरी वीडियो भी शो होगी। क्यों? क्योंकि वो उसी के रिगार्डिंग होगी, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग होगी और कह सकते हो उसी कैटेगरी के रिगार्डिंग होगी। देखिए फ्रेंड आपको मैं बात बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक टॉपिक पर दो वीडियोज बनाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने टाइटल चेंज कर दिया, एक टॉपिक पर दो वीडियो बना सकते हो। अगर आपने बनाई हुई है तो होगा क्या कि जैसे कोई पर्टिकुलर बंदा है और वहाँ पे एक वीडियो को देखा हुआ है और आप दोबारा से आओगे तो उस
आपके चैनल की उस बंदे को दूसरी वीडियो भी शो होगी, जिससे होगा क्या कि भाई रिकमेंडेशन के जरिए भी आप अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर सकते हो और वहाँ पे आप अपने चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अगर न्यू यूट्यूबर हो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी अच्छे तरीके से अपने चैनल को जो है ग्रो अप कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ यार कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।